निकलते गाइस यहाँ से की ओर, यहाँ से पुलिस वगैरह है भाई साहब। गाइस यहाँ से पता नहीं कि ज़्यादा पुलिस वगैरह क्यों है, मेरे को नहीं पता है। देख रहे हो पोस्टर, तो 8 अप्रैल को ओपन हो रहा है और मतलब ईद डिस्काउंट इसमें 30% तो, और यहाँ पे लगाया यहाँ में अब रात में कंप्लीट करने ऑलमोस्ट 50 है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़। सो हेलो गाइस, कैसी अपनी पब्लिक, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस वीडियो का जो पहला कमेंट किया वो किया टॉक्सिक19 ने, और जो दूसरा कमेंट किया वो किया ग्लोबल गेमर्स ने, और जो तीसरा कमेंट किया वो किया जैस गेमिंग ने। तो गाइस थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। फिलहाल हम ऐसे कुछ लोकेशन पे, जैद मेरे साथ है, इसकी बाइक में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए आप यहाँ पे मुनवार सर्विस सेंटर पे आना पड़ा। तो बस अब चलाते जैद की काम, जैद की बाइक अंदर है तो यहाँ तक ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कुछ डिस्कस वगैरह कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ जैद भी है, हेलमेट हम लोग दो महीने लगाए थे लेकिन हम एक ही बाइक पर आए क्योंकि हमें मतलब ऐसे टाइम लग जाएगा और हम अलग अलग हो जाते हैं। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए प्लीज बाय। गाइस फाइनली जैद की बाइक पे आ गए हैं, जितने काम का बोगा कंप्लीट, फिलहाल करते वेट तब तक के लिए। गाइस यहाँ से निकलते हैं अपन। शुक्रिया जैद। तो गाइस फाइनली हमें इस बाइक ने छुड़वा दिया क्योंकि यहाँ पे पास वगैरह के निकलते हैं यहाँ से फटाफट। पैकिंग इधर से गाइस यहाँ से बाइक निकालनी चाहिए अब। नहीं जहर किस काम में लगा हुआ है यार। तो गाइस फाइनली जहर भी हो गया फ्री, तो कुछ काम वगैरह का डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जिसको तो थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी कम्प्लीट थे, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं घर। तो चलिए गाइस 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 यहाँ से ट्रैफिक जाम निकल जा रहा है ना, बस आई थिंक अब जहर की बाइक जो है वो मक्खन चलेगी। तो गाइस इस टाइम मेरा कोई मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का लेकिन निकलना पड़ा क्योंकि जैद को यहाँ तक आना था। मैं इससे बोला कि मेरे साथ आ जा, मेरे साथ भाई साहब मेरे को जगह छोड़ दे। तो गाइस यहाँ से हम चल रहे एकदम मस्त आहिस्ता आहिस्ता अंदाजे में। गाइस एक चीज़ में साइकिल भूल गया मुझे, थैंक गॉड कि मेरे को याद पड़ गया, मैं तो एक्चुअली ना मास्क लगानी थी, मास्क मास्क ज़रूरी है लगानी, अगर मैं मास्क नहीं लगाता ना मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा फिर से। मैं मास्क लगा के गाइस फाइनली मास्क भी मैंने डाल दी और चलते हैं अब यहाँ से फटाफट। तो बस गाइस यहाँ से हमें जाना है राइट, तो निकलते हैं गाइस यहाँ से और यहाँ से पुलिस वगैरह है भाई साहब। मैंने सोचा था हम सीधे निकलेंगे लेकिन वहाँ से पुलिस वगैरह पकड़ ले थी, यही निकलना पड़ा। गाइस यहाँ से पता नहीं कि ज़्यादा पुलिस वगैरह क्यों है, मेरे को नहीं पता है। ऐसा साउंड है एकदम गाइस मतलब चुम्बेश्वर, और इसका साउंड जबरदस्त। तुम वाले वैसे बाइक पर क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है बंदा जैद, मतलब हो ये कर रहा है कुछ ऐसे हो क्या कर रहा है, कहाँ करने जैसे चल रहे हैं। बस स्प्लिटर का गाइस जल्दी से जुगाड़ हो जाए बस। हम पहुँच गए आलमगरी बाजार, यहाँ से हम जाएंगे राइट, तो इसके बाद तो पता ही है फिर ऑलमोस्ट गाड़ी पहुँचने वाले हैं वहाँ से।
जहाँ से हम निकलेंगे इस वाली साइड से, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड से भी हमें जाना था, लेकिन यहाँ इस वाली साइड से थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। मेन सड़क पे चलता है यार। हद है यार, चलने को जगह फिर भी बंदा नहीं चल रहा है। देखो कितनी ज्यादा जगह, तो भी नहीं चल रहे है। तो गाइज घर भी पहुंच गए थे जायद के बाद, तो व्लॉग करने की कोई हिम्मत नहीं थी क्योंकि पिछला व्लॉग भी एडिट कर रहा था। तो यहाँ से हम जा रहे हैं इस टाइम शाम को, हमने इफ्तारी वगैरह कर ली, तो हम शाम को जा रहे हैं इस टाइम, जो हमारे पोस्टर हमने लाए थे तो वो हम जा रहे हैं मतलब बोर्ड्स वगैरह लगाने, और ऑलमोस्ट बहुत सारे हमने लगा लिए, लेकिन अब कुछ जो छोटे छोटे पोस्टर्स थे वो लगाने हैं। तो आबिद भाई अभी आ रहा है, मेरा जो कज़न है वो वैसे भी आ रहा है, तो उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। आज मज़ा आने वाला है, आज फिर आपसे बातचीत भी कर लेंगे, बाइक भी कम चला ली, तो चलते आगे, आपको मिलते हैं आगे। तब तक के लिए गाइस पीस, आज मज़ा आने वाला है, देखो एकदम सुनसान हो गया, तो निकलेंगे, आपको मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय। फाइनली ये बंदा भी आ गया है, और ये देख रहे हो पोस्टर, तो 8 अप्रैल को ओपन हो रहा है, और मतलब ईद डिस्काउंट इसमें 30%। तो फाइनली यहाँ पे हमने एक पोस्टर लगाया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ पे लगाया, तो यहाँ से लगाया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लगाया एक पोस्टर, और यहाँ पे लगाया, यहाँ में अब रात में कंप्लीट करने ऑलमोस्ट 50 है, तो ये कंप्लीट करते। ये बंदा ये है, लेकिन ये वीड कैमरा में आएगा नहीं। तो बस चलते आओगे, आपको मिलता आगे तब तक के लिए। तो गाइज फिलहाल हम इस टाइम चल रहे हैं 90 फीट रोड पे, और जो मेरा कज़न है आबिद भैया, तो बस यहाँ वाले पीछे वाले साइड से हमने पोस्टर्स वगैरह डाल दिए। इस टाइम बज रहे ऑलमोस्ट 8:39, तो हम यहाँ से कहीं से जो है वो तरावी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे किसी जगह ऐसी स्पॉट ढूंढ लेंगे पोस्टर वगैरह लगाने की। गाइज फाइनली हमने नमाज वगैरह भी पढ़ ली, अब कुछ ऑलमोस्ट ये 3-4 फॉर्म्स ये जो है ये बच गए हैं, तो ये कहीं पे लगाने हैं अच्छी वाली जगह। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे घर, तो चलते हैं आगे। तो गाइज फाइनली मैंने केला भी छीन लिया, इसमें छोटे छोटे पीस देखो डाल दे, लेकिन इसमें चीनी ज़्यादा ऐड मत कर रहा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है चीनी। तो बस ये करते हैं ऐसे बंद, और यहाँ से देते हैं आई थिंक एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। गाइस फाइनली अवर बनाना शेक इज रेडी, तो अब जाके करते हैं कंप्लीट, करते सारी खत्म, आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद, फिर मैं बोलूंगा क्या क्या मसला है क्या नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज़ शाम को बहुत देर हो गई थी, तो वीडियो एंड नहीं कर पाया था। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और बता देता हूँ शाम को ना क्या हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था घर पहुँचते पहुँचते, फिर डायरेक्ट चाय वगैरह पी और सो गया, और सहरी के टाइम उठा भी, आपको दिखाया बनाना शेक वगैरह, तो ज़्यादा बातें वगैरह नहीं कर पाते। तो बस यहाँ से निकलते हैं, एक्चुअली मैं कुछ टाइम जाना है स्कूल, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, तब तक मिलते हैं उसी व्लॉग में, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज़ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं।